सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित मनोज शुक्ला के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को आने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। उन्होंने यानी पंडित मनोज शुक्ला ने मौनी अमावस्या को लेकर क्या कुछ पूजा विधि बताई है, क्या कुछ करने को कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सनातन परंपरा में जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या के रूप में जानी जाती है। तो हर मास की अमावस्या को अलग अलग नाम से जानी जाती है। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उनको मौनी अमावस्या के रूप में मानी जाती है। अमावस्या मूलतः अपने पितरों के तर्पण के निमित्त ही इस दिन का कार्य जो है बहुत अच्छे से किया जाता है, जो पितरों को प्राप्त होता है। ये जैसे किसी दिन दो अमावस्या पड़ गई तो प्रथम दिन को श्राद्ध अमावस्या, देव पितृ कार्य अमावस्या, स्नान दान अमावस्या, इस तरह से इनको वर्णित किया जाता है। तो इस दिन इस बार 9 फरवरी शुक्रवार को दोनों अमावस्या एक साथ पड़ रही है, स्नान दान अमावस्या और देव पितृ कार्य अमावस्या। मौनी अमावस्या नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले मौन रह करके नदी तालाब या सरोवर में जा करके स्नान करना चाहिए। हमारे मौनी अमावस्या का सनातन हमारे परंपरा में इतनी मान्यता है कि बड़े बड़े जो हमारे पुण्यदायी नदियां हैं, महानदियां हैं, बड़े बड़े सागर हैं, वहां स्नान करने के लिए ही लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन यथाशक्ति तीर्थों में यदि नहीं भी जा सकें तो अपने नज़दीकी के तालाब में, नदियों में, यदि वहाँ भी संभव न हो तो अपने घर में स्नान करते समय इन पुण्यदायी नदियों को स्मरण कर लें। गंगे, यमुने, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, इसको स्मरण करके स्नान करें तो उनका पुण्य का फल जरूर प्राप्त होता है। यह मौनी अमावस्या पूर्णतः स्नान दान के लिए निमित्त है और अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस बार दो अमावस्या साथ में पड़ रही है, तो कोई संयोग है? दो अमावस्या नहीं, जैसे पहले दिन पूर्ण अमावस्या पड़े तो वो देव पितरों के कार्य के लिए होता है, दूसरे दिन कुछ समय के लिए, तो वो केवल स्नान दान के लिए रहता है। लेकिन इस बार पूर्ण अमावस्या 9 तारीख को पड़ रही है, इसलिए देव पितृ कार्य, श्राद्ध आदि और स्नान दान आदि समस्त अमावस्या उसी दिन किया जाना है।